नेपाल हिमालय पर फोकस किया जाए, ठीक है। नेपाल हिमालय जो कि आप देख सकते हो, ये नेपाल का इलाका जो दिख रहा है आप लोगों को, यह लगभग 800 किलोमीटर है। तो बताइए हिमाचल हिमालय 570, उसके बाद देखोगे कुमायूं हिमालय 320, हिमाचल हिमालय 570, कुमायूं 320 और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबाई कौन हो गया, नेपाल, क्योंकि हिमाचल हिमालय 500 समथिंग, कुमायूं 300 समथिंग, 320 और ये नेपाल 800। हिमालय की यह भाग काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में विस्तृत होने से नेपाल हिमालय तथा अन्यत्र सिक्किम में, इससे सिक्किम हिमालय पश्चिम बंगाल में। तो देखिए यहाँ पर अगर फोकस करेंगे, इसी पिक्चर पर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे नेपाल हिमालय की बात करें तो देखिए ये इलाका ये कवर करता है, ये नेपाल का इलाका, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया नेपाल हिमालय। तो कहा जा रहा है कि इसका अधिकांश भाग नेपाल में विस्तृत होने से नेपाल हिमालय कहा गया। अब कुछ भाग देखो सिक्किम में, इसे सिक्किम हिमालय कहते हैं, तो सिक्किम में, यहाँ सिक्किम, तो सिक्किम हिमालय कहा गया। पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल तक गया है, देखिए पश्चिम बंगाल तो ये ना जी पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर पश्चिम तो दार्जिलिंग का इलाका कहा गया, दार्जिलिंग हिमालय। भूटान में, तो भूटान देखो ये भूटान है, तो भूटान है, तो भूटान हिमालय कहा गया। तो हिमालय का यह सर्वोच्च भाग। अब देखोगे यहाँ नेपाल हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धवलागिरी, अन्नपूर्णा, तो ये सब एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धवलागिरी, अन्नपूर्णा आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, देख लीजिए, है ना, दिखाया गया ना, देख लीजिए कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जैसे दिखाया गया। अच्छा नेक्स्ट आप देखोगे अगला है असम हिमालय। यह भाग तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है और 740 किलोमीटर लंबे भाग में, इसका दूसरा मतलब सीक्वेंस में सजाने के लिए बोले, अगर पश्चिम से पूर्व हिमालय को सजाने बोले तो आप ऐसे सजा दोगे, सजा दिए, लेकिन बोले इसका लंबाई के आधार पर बोले तो आप देखोगे पहला में नेपाल, दूसरा में असम, तीसरा में हिमाचल हिमालय, चौथा में कुमाऊं। तो मतलब लंबाई में सबसे बड़ा नेपाल, दूसरा में ये असम हिमालय और चौथा में कुमाऊं, बोले हो गया ना कि नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि 800 है, ये आप देखोगे 570 है, ये 320 है, यहाँ पर असम हिमालय अभी तो बताया 740, इसका मतलब 740, इसका मतलब आप देख सकते हो, याद करना है, सिक्वेंस सजाना है। तो क्वेश्चन को फोकस करते हुए हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे। इस भाग को असम हिमालय कहते हैं, काबरू, बुमलहारी, जांग सांगला, पुला कांगरी, पोहली आदि इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। इस क्षेत्र में नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ घना वनाच्छित क्षेत्र है जिसमें कई जनजातियाँ निवास करती हैं।